डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक्स देते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। आखिर मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसको कहते हैं? समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। उसके नीचे फर्स्ट आरो देंगे, लिखा जाए मानव नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता होती है जिसे नेत्र का समंजन क्षमता कहा जाता है। जी हाँ, नेत्र का समंजन क्षमता किसको कहते हैं? तो हमारा जो नेत्र होता है, नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, पिछले भाग जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और खुद मानव नेत्र जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर हम दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं या फिर नज़दीक की वस्तु को देख पा रहे हो, तो यानी नेत्र अपनी आवश्यकता अनुसार और नेत्र का फोकस दूरी को खुद एडजस्ट कर लेता है या फिर फोकसित कर लेता है ताकि रेटिना पर उसको प्रतिबिंब बनाया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेत्र का वह क्षमता जिसमें मानव नेत्र अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की कोशिश करता है या क्षमता है उसकी, वह कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, चलिए उसके नीचे सेकेंड एरो देंगे, लिखेंगे जब दूर की वस्तु देखी जाती है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक रहती है और इस स्थिति में सिलियरी मांसपेशियां में तनाव कम रहता है। जी हाँ, सेकेंड में हम लोग क्या लिखे हैं, जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो कुल मिलाकर पुतली का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है क्योंकि दूर की वस्तु को देखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है उसको टांगे हुए रहता है सिलियरी मांसपेशियां, तो सिलियरी मांसपेशियों में तनाव भी कम होता है क्योंकि हम दूर की वस्तु को देख पा रहे होंगे। आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को जैसे कि पेन है, आप अपने आँख के धीरे धीरे निकट लाएंगे तो आँख का पुतली का साइज आपको बड़ा करना पड़ेगा और जब बड़ा करेंगे तो तनाव उसमें अधिक होगा। तो इसके उल्टा लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, जब वस्तु आँख के निकट रहती है तब उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना चाहता है। अतः सिलियरी मांसपेशियां में तनाव अधिक रहता है ठीक है। तो ध्यान से
समझिएगा कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारा आँख में जो सिलियरी मांसपेशियाँ या आँखों में तनाव जो है वो कम होता है। जैसे ही निकट की वस्तु को देखते हैं तनाव अधिक रहता है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना चाहिए। चलिए उसके बाद नोट में करके कुछ पॉइंट्स को लिखा जाए, नोट में, NOT, नोट में लिखा जाए। जिस अधिकतम दूरी तक आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे नेत्र का दूरबिंदु कहा जाता है। उसे नेत्र का दूरबिंदु कहा जाता है। जी हाँ, नोट में जो फर्स्ट पॉइंट करके हम लोग लिखे हैं कि नेत्र का दूरबिंदु किसको कहते हैं, तो हमारा आँख जिस अधिक से अधिक दूरी तक अगर देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं नेत्र का दूरबिंदु। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे देखें कि मानव नेत्र का अपने जिस अधिकतम दूरी तक देख सकता है वह नेत्र का सबसे दूरबिंदु कहलाता है। यानी अधिक से अधिक जिस बिंदु तक देखता है वह क्या कहलाता है, दूरबिंदु। ठीक है, नोट का सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, नोट का सेकेंड पॉइंट लिखा जाए। नोट का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकती है, सुस्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे आँख का निकट बिंदु, उसे आँख का निकट बिंदु या नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। तो नोट में सेकंड में लिखें क्या, कि जिस न्यूनतम दूरी तक अगर मेरा आँख अगर किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है वो निकट बिंदु कहलाता है, और जिस अधिकतम दूरी तक मेरा नेत्र किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखता है वो दूरबिंदु कहलाता है। और नोट के थर्ड पॉइंट में लिखा जाए कि किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होने चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी लिखा जाए, मानव नेत्र के लिए किसी किसी वस्तु का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, कौमा इसी दूरी पर मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, अतः इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है, अतः इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। चलिए, तो नोट के तीनों पॉइंट्स हो गए, अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दृष्टि दोष के प्रकार। टॉपिक बनाएंगे दृष्टि दोष के प्रकार। आपको अब समझना चाहिए कि हमारे नेत्र में कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं, यानी कि हमारे आँखों में दृष्टि से रिलेटेड कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और उनको कैसे ठीक करेंगे, उनके निवारण हेतु हम लोगों को क्या काम करना होगा। ठीक है, तो उसके नीचे लिखा जाए, दृष्टि दोष मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने तरह की होती है, चार तरह की। पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया, और दूसरे का नाम है दीर्घ दृष्टि दोष,
दीर्घ दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए सी नंबर पॉइंट्स में लिखा जाए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और फिर है चौथा अस्टिगमेटिज्म, अस्टिगमेटिज्म, ठीक है। अस्टिगमेटिज्म ये है हम लोगों का चौथा प्रकार, मेटिज्म। तो अस्टिगमेटिज्म ये चौथा दोष है दृष्टि दोष के प्रकार में, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव नेत्र में कितने तरह की दृष्टि दोष होती है, तो कुल मिलाकर चार तरह की। एक का नाम है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और चौथा है अस्टिगमेटिज्म। तो चलिए ये दृष्टि दोष के प्रकार तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर इस दृष्टि दोष के जो प्रकार हैं इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए यानी कि इसके निवारण हेतु कौन कौन से उपाय हम लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों अब ये जो चार प्रकार हैं दृष्टि दोष के, तो चारों में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसका पहचान क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अस्टिगमेटिज्म। तो कुल मिलाकर हम लोग अगले दिन निकट दृष्टि दोष टॉपिक्स बनाकर अगले दिन से पढ़ेंगे सब दृष्टि दोष के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।